हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एक्ट्रेस पलक सिंह पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप सब लोग जो लोग भी मेरे वीडियो को देखते हैं, प्यार आशीर्वाद देते हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार देते रहिए और हमें भी आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ और बस ऐसे ही खुश रहें हम भी। तो चलिए, आज मैं खुश हूँ इसलिए कि मेरा जो शूटिंग का डेट था वो बहुत ही नज़दीक आ गया है और अब मेरी पैकिंग शायद स्टार्ट होने वाली है। तो कल से मेरी पैकिंग शुरू होगी, मतलब कल से क्या, आज से ही मैं लग जाऊँगी, क्योंकि सारा कपड़ा इधर उधर जहाँ तहाँ फेंका रहता है। फेंकने का मतलब ये नहीं कि मैं इधर उधर फेंकती हूँ, मतलब कुछ अलमारी में कुछ यहाँ है कुछ वहाँ है तो एकदम से ढूंढने पर मिलता नहीं है। तो अभी सारे कपड़े को मैं एक साथ अभी एक जगह पे रख लूँगी, उन सबको प्रेस करेंगे तो नहीं, बाहर ही देंगे प्रेस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा हो जाता है। तो सब अभी सारा कपड़ा इकट्ठा करके निकालेंगे, उसके बाद कल से पैकिंग स्टार्ट। तो अब हो सकता है कि अभी जो भी ब्लॉग अभी वीडियो देख रहे थे सब तो घर का ही देख रहे थे, अब जब मैं शूट पे जाऊंगी तो आपका सारा मैं वहां से वीडियो दिखाऊंगी और सब बहुत सारा मैं वीडियो बना बना के और आप लोगों के बीच शेयर करूंगी। और आप लोग देखिएगा कि कैसे फिल्मों की शूटिंग होती है, कैसे क्या होता है, तो वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से सब कुछ आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी। फिलहाल आप लोग चैनल पर ऐसे ही प्यार आशीर्वाद दीजिए, और बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, फिलहाल अभी तो मैं आठ बजे से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, तो फिलहाल अभी मुझे सारा कपड़ा निकालना पड़ेगा और खाना पीना तो मैं बना ली हूँ। सब्जी बना हुआ है और इधर चावल है, रोटी भी बना हुआ है, लगभग खाना पीना तो मेरा बना हुआ है। और अच्छा की थी कि आज मैं पहले खाना बना ली थी। और एक्चुअली एक हमारे रूम के जो बाजू में रहते हैं वो है तो बुज़ुर्ग ही, लेकिन आज उनका डेथ हो गया है। वो करीब 87 वर्ष उनकी उम्र हो चुकी थी, तो बुज़ुर्ग थे और काफ़ी परेशान थे, वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे। तो आज उनका जो है शाम के 4 बजे उनकी डेथ हो गई है। तो भगवान से मैं यही दुआ करूँगी कि उनको अपने श्री चरणों में जगह दे। और क्या कहूँ, बस ये तो सबके साथ होना है, सबके लिए यही है कि आज नहीं तो कल सबको जाना है। और उन्होंने तो अपनी पूरी उम्र जो भी था जी चुके थे। तो चलिए, फ़िलहाल अभी मैं जो वो आगे जो भी कुछ करूँगी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो अभी वो सब लोग दाह संस्कार के लिए निकल चुके हैं और उनका जो रूम था जस्ट मेरे रूम के बगल में था, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हम दोनों की सेम ही दीवार है बस। और ये देखिए, ये मेरा गेट है और ये जो विंडो खुला हुआ है ये उनका है, और सेम दीवार है, ये बस एक दीवार ही है दोनों कमरे। तो बिल्कुल हम लोग का आसपास में ही रूम था। वैसे उनकी उम्र तो हो ही चुकी थी, बहुत काफ़ी तकलीफ में भी थे, लेकिन फिर भी इंसान कहता है कि उम्र चाहे कितनी भी हो जाए फिर भी
दुख तो होता है किसी के भी जाने पे, तो बस मैं यही कहूँगी कि भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। और बस आज मैं इनको देख करके मुझे पता नहीं क्यों मेरे पापा की याद आ गई। जो कि वो तो असमय ही चले गए, आज से 10 साल हो गया मेरे पापा को। उनको देख करके पता नहीं क्यों मुझे मेरे पापा की याद आ गई। तो बस मैं यही कहूंगी कि तो चलिए दोस्तों, मैं अभी ये ब्लॉग में यहीं पेंट करती हूँ, क्योंकि मैं सोची थी आज रात में पैकिंग वगैरह जो भी है वो सब सारे कपड़े निकालूंगी और सब करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से जब मैं उनको एकदम करीब से देखी, जब मैं नहीं देखी थी तब कुछ भी इतना नहीं महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बुजुर्ग थे चले गए कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही मैं उनको देखी पता नहीं क्यों मुझे पापा की याद आ गई, मालूम नहीं। तो अभी मैं फिलहाल जो भी काम है अब मैं कल करूंगी, क्योंकि बस फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अब कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय।